इंग्लिश आपको ऐसी आनी चाहिए कि आप किससे बोल चालेंगे, अरबी 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 यहाँ पे इतना डिफिकल्ट। जब आप होंगे तो आप डेफिनेटली। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। और वेलकम टू माई चैनल द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो जनाब, आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि यार क्या नाम है उसका, दुबई में आना चाहते हैं, यूएई में आना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। ठीक है भैया, यहाँ पे आना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आना कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। यहाँ पे असल में आना मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आके सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, तो मैं आपको कुछ एडवाइसेस दे रहा हूँ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, तो आप इन पे अमल करें। ठीक है, भले आप 2-3 महीने लेट आ जाएँ। ठीक है, वैसे भी अभी तो फ़्लाइटें भी ओपन नहीं हैं और मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई में ओपन होंगी। जो है कि मिड में या समझे 6 के बाद ही ओपन होनी है, जो कि अभी सूरत हाल नज़र आ रही है। ठीक है, तो किसी भी काम में जल्दी ना करें। असल में टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, वो यहाँ पे कुछ लेके जाएं। ठीक है ना, ना कि यहाँ पे आएं और पैसे ज़ाया करें और फिर वापस चले जाएँ। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो ऐसा करते हैं, फिर यहाँ पे आकर ठोकरे खा के सीखते हैं। ठीक है ना, तो भाई आपको मैं 4 ऐसी एडवाइस दूंगा जो कि आपको यहाँ पे आने से पहले हर बंदे को, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं, मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हुआ, बीकॉम किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ, कुछ भी किया हुआ, ठीक है ना, ये 4 चीज़ें जो है ना, वो आप अगर आप करके आए ना, तो आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा, जॉब भी मिलने में बहुत फ़ायदा होगा और क्या कहते हैं उसको, आपके लिए आगे ग्रोथ में भी बहुत चांसेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि जो पाकिस्तान में जो, या इंडिया में या नेपाल में जो भी है भाई, यहाँ पे आप थोड़ी सी इंग्लिश सीख के आएँ। ठीक है ना, ये जो माई नेम इज़ काशिफ एंड योर नेम इज़ फैसल, ये इंग्लिश नहीं चलेगी यहाँ पे। थोड़ी सी इंग्लिश आपको ऐसी आनी चाहिए कि आप किसी से बोल चाल कर सकें। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू में इंग्लिश नहीं बोलनी होती, यहाँ पे समझ लो कंटिन्यूसली इंग्लिश ही बोलनी होती है। ठीक है, लोग समझते हैं कि अरबी 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 यहाँ पे इतना नहीं ट्रेंड है, यहाँ पे इंग्लिश का बहुत अच्छा ट्रेंड है। अगर आपको इंग्लिश आती है ना, तो आपको जॉब मिलने के 99% चांसेस हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो इंग्लिश आपने ज़रूर सीख के आनी है। कोई स्किल्स आए ना आए, लेकिन इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए आपको, इतनी आनी चाहिए कि आप बोल सकें, इंटरव्यू में बात कर सकें, फिर जॉब पे बात कर सकें। ठीक है ना, सेकंड चीज़, अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में, या बांग्लादेश में, या नेपाल में, कहीं भी हैं, ठीक है, अगर आप गाड़ी चलाना जानते हैं और गाड़ी का लाइसेंस है आपके मुल्क में, ठीक है, तो आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आएँ, ये आपके बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेने आएँगे, इसके लिए मैं एक कम्प्लीट डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेना है। ठीक है, तो जब आपके वो लाइसेंस होगा ना, वो बहुत आपके कम खर्चे में आपको यहाँ पे कन्वर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ का लाइसेंस मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे मोर देन 50 मुल्क में ये एक्सेप्टेबल है, और रिसेंटली तो यूके में भी एक्सेप्टेबल हो चुका है। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ तो आपके बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और बहुत ज़रूरी भी है, यहाँ पर गर्मी भी बढ़ती है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो तीसरी चीज़ जो है ना, वो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि भाई ये जो मम्मी डैडी वाले जो है ना, वो आप नहीं है, मम्मी डैडी बन के नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, ये एक स्किल्स में शामिल है, मैं ये कहता हूँ। ठीक है, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, तो खाना बनाना सीख कर आएँ अपनी मम्मी से या किसी से भी। ठीक है ना, ये आपकी बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, विज़िट पे जब आप होंगे, तो आप डेफिनेटली जिस रूम में आप ठहरेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपके रूममेट्स वगैरह होंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली सारे मिलजुल के खाना बनाते हैं, और आपको खाना नहीं बनाना आएगा तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप बाहर से खाना खाते हैं, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, यानी कि समझो कि आपके सारे पैसे खाने में लग जाएंगे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और जो चौथी चीज़ है जो मेरी नज़र में आपके बहुत काम आएगी, और ये वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको, एक तो आपके पास लैपटॉप आप साथ लेके आएंगे, दूसरा ये है कि आपको कुछ ना कुछ लैपटॉप, कुछ ना कुछ आपको उसको आना चाहिए, स्पेशली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड है, एक्सेल है, या यू नो एमएस ऑफिस है बेसिक, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि इस मसला ये होता है कि जब आप यहाँ पे जॉब सुनते हैं ना, तो आप लोग जाते हैं कैफेज़ में, ठीक है, वो उनसे बोलते हैं कि वो सीवियाँ बना दें। ठीक है ना, तो वो जो सीवीज़ वगैरह बनाते हैं, वो उनका एक पैटर्न बना होता है, वो सीवी बना के दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये काम नहीं आता होगा, ये बहुत बेसिक है, बहुत आराम से यूट्यूब पर बहुत वीडियोज़ बनी हुई है इस पर कि कैसे सीवी बनानी है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर सीख कर आएँ ये 4 चीज़ें। नंबर 1 जो चीज़ है ना,
वो है इंग्लिश। सही है ना, आपका इंग्लिश आ गई तो समझो 70-80% जो आके आपका, आप समझ लो आप रेडी हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, वो जैसे जॉब मिलेगी आपको ग्रोथ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। थर्ड है कि खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आपने अच्छा माहौल में रहना है, अच्छी मोहब्बत और प्यार से रहना है, तो ये सबसे अहम चीज़ है कि अगर आपको खाना बनाना आता है ना अच्छा, और आप लोगों के साथ यानी कि रूम्स में रूममेट्स के साथ रहते हैं, ठीक है, तो आपकी सब हर बंदा आपको बहुत पसंद करेगा। ठीक है ना, अगर आपको नहीं बनाना तो आपको सारे ताने मिलते रहेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, और वैसे भी खाना बनाना आए तो आपको मतलब ये कि आपके अपने लिए भी अच्छा है कि आप जो मर्ज़ी खा बना सकते हैं। ठीक है, बाहर से खाने की आदत यहाँ पे कम रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी इंसान मोटा हो जाता है। ठीक है, और चौथी चीज़ जो मैंने आपको बोला है कि लैपटॉप के साथ कुछ एमएस ऑफिस और ये चीज़ें सीख कर आएँ। ठीक है ना, ताकि आप यहाँ पे बैठ के डिफरेंट काइंड ऑफ सीवी बनाते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह डिफरेंट एक और टॉपिक पर बनाऊँगा, जो कि मैं समझता हूँ थोड़ा ज़रूरी है, और मैं सोच रहा हूँ वो आज ही बनाऊँ। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ लोगों को फैलाएं अगर ये जो जो विजिट पे आना चाह रहा है। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच।